में युवा महोत्सव का आयोजन शानदार तरीके से किया गया, लेकिन इसमें विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। खेल मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि अगले साल इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि खिलाड़ियों को कोई परेशानी ना हो। युवा महोत्सव का समापन हो चुका है, हमारे साथ युवा और खेल मंत्री उमेश पटेल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उत्साह देख करके लगता है कि महोत्सव का भले ही समापन हो गया हो, लेकिन उत्साह खत्म नहीं हुआ है। देखिए, उद्देश्य यही था कि युवाओं को मंच मिले, और आपने सुना होगा जो वो लोग बोल रहे हैं कि एक कथक नृत्य जो करने वाला था उसने कहा कि कई सालों बाद मुझे पहली बार मंच मिला, तो यही उद्देश्य था। और अगर उस उद्देश्य की हम प्राप्ति कर लिए तो इससे बड़ा सुकून और इससे ज्यादा अच्छा फीलिंग कभी नहीं होता। चैलेंज भी था क्योंकि 7,000 बच्चे थे, अलग अलग स्टेट से आए थे, और ऐसे आयोजनों में अक्सर सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं, लेकिन कम से कम इस आयोजन में सवाल नहीं उठे तो ये बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी कामयाबी है। और सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को जिन्होंने इसमें भाग लिया, मैं सबको धन्यवाद कहूंगा। मैंने खुद खाने की व्यवस्था में, रहने की व्यवस्था में जाकर स्वयं निरीक्षण किया, और मुझे लगा कि सारी व्यवस्था जब अच्छी है तभी जाकर मैं संतुष्ट हुआ। इनका उत्साह देख करके तो लगता है कि जाना ही नहीं चाहते। देखिए, किसी चीज का अंत तो जरूर है, लेकिन यही कहूंगा कि इसको हर साल करने का हम कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज कि 40 साल से एक उम्र ऊपर के युवा महोत्सव में, वो उसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, दो कारण थे उसके। एक तो जो 40 साल की उम्र है और टैलेंटेड लोग हैं, उनको अगर हम मौका नहीं देते तो कहीं ना कहीं एक वो हो जाता था, लेकिन उसके साथ ही साथ ये कहना था कि युवा महोत्सव नहीं रह जाएगा, तो हमने उस दो कैटेगरी बना दी इसमें, एक 40 से कम और एक 40 से ऊपर, तो दोनों को मौका मिल सके, और मौका देना इसका उद्देश्य था। अच्छा, एक और चीज कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी होता है, लेकिन ये आयोजन अलग ही बड़ा था, लेकिन उसको पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अब ऐलान ये कर दिया है कि अगले साल से 20 तारीख को होगा, तो फिर से क्या अगली बार राष्ट्रीय महोत्सव में नहीं जा पाएंगे? कोशिश करेंगे कि उसमें टाइमिंग इस तरह से हो कि राष्ट्रीय महोत्सव में हमारे लोग पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि इस साल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारी प्लानिंग 3 महीने पहले से चल रही थी, और तब युवा महोत्सव राष्ट्रीय लेवल का घोषणा नहीं हुआ था, तो हमने पहले से डेट डिक्लेयर कर दिया स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे, और उस तारीख को हम बदलना नहीं चाहते थे, तो इसलिए इस साल थोड़ा सा इसमें ये हुआ है। लेकिन अगले साल हम कोशिश करेंगे कि नेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे जा सकें और यहाँ पे भी रह सकें।